नमस्कार दोस्तों, लड़खड़ा चुकी थी पूरी तरह से मुंबई इंडियंस की टीम, लेकिन फिर उसके बाद तिलक वर्मा और नेहाल वडेला का आया तूफान और मुंबई इंडियंस को 20 ओवर के बाद पहुंचाया एक अच्छे स्कोर तक। और वहीं युजवेंद्र चहल ने मोहम्मद नबी का विकेट लेते ही रच दिया इतिहास। फिर उसके बाद आया जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल का तूफान और अंत में आकर इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा फैन है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का 38वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच खेला गया, जिसमें मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन मुंबई की शुरुआत काफी खराब रहती है। पहले ओवर में ही रोहित शर्मा सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके अगले ओवर में ईशान किशन भी 3 गेंदों में 0 रन बनाकर वो भी आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी इस मैच में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, वो भी 8 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 20 रन के स्कोर पर मुंबई का 3 विकेट गिर चुका था। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने मोहम्मद नबी आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप देखने को मिलती है। लेकिन तभी 17 गेंदों में 23 रन बनाकर मोहम्मद नबी युजवेंद्र चहल का गेंद का शिकार हो जाते हैं और इसी के साथ चहल आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने नेहाल वडेला आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच काफी अच्छा पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज मुंबई को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद तिलक वर्मा शानदार और शतक जड़ते हैं और दूसरे छोर पर नेहाल वडेला भी काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी नेहाल वडेला 24 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। मुंबई इंडियंस को 151 रन के स्कोर पर पांचवा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी इस मैच में कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाते हैं और वो 10 गेंदों में केवल 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 170 रन के स्कोर पर कप्तान हार्दिक पांड्या के रूप में मुंबई इंडियंस को छठा झटका लगता है। फिर आखिरी ओवर में तिलक वर्मा भी 45 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 176 रनों के स्कोर पर मुंबई का सातवां झटका गिर जाता है और इसी तरह से मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 179 रन बनाते हैं 9 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संदीप शर्मा सबसे ज्यादा 5 विकेट छटकाते हैं। तो वहीं 180 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत काफी ताबड़तोड़ रहती है और पावर प्ले खत्म होने तक राजस्थान का स्कोर 61 रन हो गए थे बिना कोई विकेट के नुकसान पर। लेकिन सातवें ओवर में जोस बटलर 25 गेंदों में 35 रन बनाकर पीयूष चावला का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने संजू सैमसन आते हैं। इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने काफी अच्छा शानदार अपना शतक एक जड़ते हैं। फिर इसके बाद मुंबई की टीम राजस्थान की एक भी विकेट नहीं गिरा पाते हैं जोस बटलर के आउट होने के बाद और यहाँ से यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को जीत दिला देते हैं। राजस्थान इस स्कोर को 18वें ओवर में ही चेस कर जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस बार राजस्थान रॉयल्स आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।